हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीएसटी की चोरी, नकली दवाइयां दी किसानों के अनार के बगीचे नष्ट, फर्जी दवाई विक्रेता नकली दवाई देकर किसानों से कर रहे लाखों की ठगी। जीवाना उप तहसील क्षेत्र में किसानों को उन्नत बनाने में कारगर साबित हो रही अनार की खेती को दलाल एवं दवाई विक्रेता तहस नहस करने पर आमादा हो गए हैं। ताजा मामला क्षेत्र के लुम्बा के ठाणे का है। किसान मांगाराम चौधरी ने बैंक से 7 लाख का कर्ज लेकर अपने खेत में 555 अनार के पौधे लगाए। अनार के पौधे पर फल लगाए एवं बड़े करने के लिए समय समय पर दवाई का छिड़काव करना होता है। इसी अनुरूप किसान मांगाराम को भरतगिरी नाम के एक व्यक्ति ने झांसा देकर नकली और फर्जी दवाई दे डाली। किसान ने उक्त दवाई का अपने अनार के पौधों पर छिड़काव किया कि फसल उन्नत हो सके, लेकिन उन्नत होने के बजाय पौधे पर लगे अनार के फल और अनार की गोटियां पूरी तरह झड़कर पौधे सूखने लगे हैं। भरत गिरी द्वारा किसान मांगाराम चौधरी को दी गई दवाई के प्रयोग से अनार में भारी नुकसान हो गया है। इसके प्रभाव से कई किसानों की फसल 70 से 90% तक नष्ट हो गई है, जिसको लेकर पूरे गांव के किसानों ने अनार में नुकसान होने की शिकायत तहसीलदार, उपखंड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर से की है। किसानों का आरोप है कि शिकायत करने पर दुकानदार धमकी दे रहा है। किसानों ने उपखंड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को शिकायत कर नुकसान की जांच के लिए टीम का गठन कर नकली दवाइयां बेचने वाले भरत गिरी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। किसान मांगाराम पुत्र धनाराम ज्योति चौधरी निवासी लुम्बा की ठाणी ने कहा कि मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने उन अनार के पौधों को बड़ा किया, जिसके लिए मुझे साहूकारों से भी कर्ज लेना पड़ा था तथा कृषि भूमि भी गिरवी रखनी पड़ी। लेकिन आलवाड़ा ग्राम के भरत गिरी की खाद बीज दवाई दुकान पर अनार का रोग बताने पर दुकानदार भरत गिरी ने मुझे सुझाव पर मुझे किस्टल कंपनी व बासपा कंपनी नकली व विषैली दवाई देकर स्प्रे करने को कहा। उसी अनुसार मैंने उस दवाई का छिड़काव किया, जिससे मेरे अनार के पेड़ पर लगे सारे अनार टूटकर गिर गए और पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिससे मुझे 8 से 10 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। भरत गिरी के द्वारा किसानों को ज्यादा लाभ कमाने व जीएसटी से बचने के लिए नकली बिल बनाकर दिया जाता है। इसे सरकार को भी लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। उसके दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भोले भाले किसानों को नकली बिल देते हुए देखा जा सकता है। इसी प्रकार भरत गिरी ने मेरे भोलेपन का फायदा उठाकर मुझे जहरीली दवाई व नकली बिल दिया। वहीं 8 से 10 दिन बाद गांव वालों व कृषि विभाग के कारण मुझे आधा अधूरा बिल दिया और दूसरी दवाई का बिल दे दिया। मैंने अपने अनार के बगीचे में अब तक 1,86,000 रुपए की दवाई लाकर अपने अनार के पौधों की जड़ों में और ऊपर छिड़काव किया। अब मुझे दयनीय किसान के पास बैंक व सेठ सहकारों का कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो मेरी भूमि भी गिरवी है। लुम्बा के ठाणी क्षेत्र के निवासी किसान मांगाराम और लच्छाराम ने बताया कि दुकानदार ने दवाओं का अनार पर छिड़काव करने को कहा था, उसके बताए अनुसार ही प्रयोग किया है। इनके अलावा दर्जन भर अन्य किसानों की फसल खराब हुई है। गांव के किसानों की अनार की खेती नष्ट हो गई है। किसानों की शिकायत है कि क्षेत्र में मानक दवाओं के लेबल में निर्माताओं और व्यापारियों द्वारा नकली कीटनाशक बेचे जा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश नकली और गैर प्रभावी दवाइयां ही बेच रहे हैं। क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनको व्यापारियों द्वारा नकली बीज और नकली फर्टिलाइजर तो मिलता है, लेकिन अब बाजार में नकली कीटनाशक दवाओं का उपलब्ध भी बढ़ रहा है। किसानों ने जिला कलेक्टर सहित अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम शिकायत कर ऐसे ठगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। मांगाराम किसान लुम्बा की ठाणी, इन्होंने जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए ये कहा। साहब मारे महाराज आलवाड़े भरत गिरी जी महाराज रहता थी, दवाई लावे माते स्प्रे की दो स्प्रे करते इस 12 सवदे घंटारे में फल हता जत्र 50 ग्राम थी 100 ग्राम तक माते फल आई तो वो फल पूरा पूरा निशो गिरिया। महाराज ने मैं गुहार लगाई, महाराज ने जैन क्यों महाराज मारे फल निशो गिरिया है, महाराज अटे देखवा आइयो जरा महाराज हौकरियो के हाँ मारे दवा थी नुकसान हुआ है, तो को आप माते पानी रो स्प्रे करो पानी थी मैंने पूरा पूरा 10 ड्रम मारे बच्चों को पानी धोवराई दाड़ में बादरे में गड़ देसी गड़ लो स्प्रे कराइयो 5-6 ड्रम रात रो में गड़ लो ना किया रे बादरे में महाराज। जागरूक टीवी के लिए जीवाना से रूपाराम चौधरी की रिपोर्ट।